ओके अब हमें घर वालों से बात कर लेनी चाहिए या मैं कोई पुरानी रिकॉर्डिंग प्ले कर होपफुली लगेगा जैसे हम कोई मीटिंग में हैं आप ही आरफ से वीडियो कॉल कर लीजिए जस्ट मेक श्योर कि मैं फ्रेम में ना हूं वरना पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा या मैं भी अपनी माँ से बात कर लेता हूँ मास्क राइट गुड वन पर मैं तो ऑडियो कॉल पे हूँ सो हाय मंकी हाय पापा हाय मम्मा मम्मा आप अभी भी ऑफिस में हो भूल गए डिनर प्लान नहीं मंकी बिल्कुल नहीं भूली हूँ एक्चुअली एक बहुत इम्पोर्टेंट काम आ गया सुबह सुबह एक डिजाइन सबमिशन है इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ और काम इतना ज्यादा है शायद पूरी रात ही ऑफिस में रहना पड़े क्या तू रात को घर ही नहीं आएगा ये अचानक कौन सा सबमिशन आ गया बेटा माँ बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स है और कल सुबह ही सबमिशन है जी एक और फर्म रेस में इसलिए मैंने और एसन ने डिसाइड किया है कि हम रात भर ऑफिस में ही रुकेंगे पूरी टीम के साथ फरांटी आ गई ना हाँ जस्ट अभी ग्रेट तो पूरी टीम रात भर काम करेगी हाँ माँ पूरी टीम मैं एसन कथा जीतू भाई और निविदेता और आईटी टीम सब रुके हैं यहाँ माँ ठीक है बेटा ध्यान रखना अपना अब खाना भिजवा दूं नहीं 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 प्लीज हम लोग ऑर्डर कर लेंगे यहीं से सबके लिए डोंट वरी नॉट डन मम्मा यार हमारा प्लान था ना मैंने सॉरी बोला ना मंकी अब काम भी इम्पोर्टेंट है क्या यार बच्चे आज तू दुखी हो रहा है एक दिन मम्मा तुझे कॉल करेगी और तू ऑफिस में बिजी होगा इसी को कहते हैं जीवन चक्र द सर्कल ऑफ लाइफ फिर मम्मा तुझसे पूछेगी कि मंकी घर का बाहर है और तू बोलेगा मम्मा चिल ना रिलैक्स काम कर रहा हूँ आ जाऊंगा ओके माय मदर माय वेरी वेरी ब्यूटीफुल मदर प्लीज स्ट्रेस लेना छोड़ दीजिए आप अपने फन नाइट पे फोकस करिए ना फर आंटी के साथ ऑर्डर सम नाइस फूड फॉर योरसेल्फ इटालियन खाना एंड एक माँ एक अच्छी मूवी लगाइए एंड उसे देखिए अगर उससे काम नहीं चलेगा तो फिर जमकर गॉसिप करिएगा ठीक है ना बेस्टी नाइट है आज लिसन लिसन व्यान देख मैं तो वाइन भी इटालियन लेके आया हूं आह एक्सीलेंट और क्या चाहिए अब कैन माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मदर स्माइल नाउ प्लीज क्या आप स्माइल कर रही है माँ ठीक है बेटा ओके बाय मंकी आपकी इतनी प्यारी फैमिली है इतने सारे लोग हैं दादू दादी चाचू चाची आरना कियारा दीदी युहान उन सबके साथ तो आप कितने मजे करोगे अच्छा कथा आज की रात हम आरफ को अपने पास रख ले क्या बिल्कुल पापा ग्रेट आइडिया मंकी रात भर मस्ती और आपकी आंख खुलने से पहले मम्मा आपके पास होगी व्हाट फन मम्मा फन तो होगा बट आप होते तो और भी मजा आता ना मंकी ये जो टाइम है ना आपके कजिन्स के साथ दादा दादी के साथ उनकी कहानियां ये बहुत प्रेशियस है इसको ऐसे दुखी दुखी मत निकालो खुश होके गुजार ओके अरे मान जा मेरे जिद्दी गरेवाल ओके ओके दादू बट आपको पापा और चाचू की कहानी सुनानी होगी डील पक्की डील मम्मा मैं आपसे कल मिलता हूँ पर मेरी आंखें खुलने से पहले आ जाना ओके बाय मंकी Are you okay? हाँ अभी के लिए ठीक है लेकिन हम दोनों को दूर रहना चाहिए खांसी जा नहीं रही है तो प्लीज सेफ साइड के लिए आरफ कैसा है हाँ आरफ ठीक है मैं दादा दादी के पास है गुड
Thank you so much, Julie. I love pizza. Baby, you aren't having anything? Oh. You know what? I'm to loving this time, yaar. मुझे तो लगता है कि हम दोनों को ना ऐसे बहुत frequently मिलते रहना चाहिए. We should enjoy, यार. वैसे तेजी, हम दोनों ने ना अपनी जिंदगी सिर्फ व्यान और एसन के इर्द गिर्द बुन रखी है. लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें अपनी लाइफ पे भी फोकस करना चाहिए यार, अपने एंजॉयमेंट पे भी फोकस करना चाहिए. वो दोनों बच्चे काम करें और हम लोग एंजॉय करें. तेजी, क्या हो गया है तुझे? कहाँ खोए हुए यार? मैं इतनी देर से अपने एंजॉयमेंट की प्लानिंग के बारे में बात कर रही हूँ और तू पता नहीं कहाँ लॉस्ट है. एक मिनट. Just look at me. कहीं तुझे कोई दूसरी फरा तो नहीं मिल गई? चुप कर, कुछ भी कहती है. इस पूरी दुनिया में कई सारी फरा होंगी लेकिन मेरी वाली तो एक ही है. You know ना, I love you. कविता कहाँ गई? मेरे सबसे प्यारे बच्चे के चेहरे पर जो स्माइल थी वो कहाँ गई? ढूंढो. लगता है अपने दोनों बहनों के साथ सोने चली गई. अरे 10 बजे तक सोने वाले तेरे दादू आज 12 बजे तक जाग रहे हैं. एक स्माइल तो दे देना मंकी. दे दे यार. वाह, इतनी ताकत लगा के स्माइल दी लेकिन उसमें वो आराम वाली चमक नहीं है ना? हाँ, मैं भी देख रही हूँ. आज है ना, इसने खाना भी अच्छे से नहीं खाया और अपनी फेवरेट दादी के हाथ की बनी हुई कुल्फी भी अच्छे से नहीं खाई इसने. अरे यार दादू दादी, ऐसे नहीं है. मैं आज पहली बार आप लोगों के घर पे रात में रुक रहा हूँ इसलिए. और मम्मा भी मेरे पास सन नहीं है. और मम्मा क्या सोचेगी? यही ना कि दादू और दादी दोनों मिलकर भी आरव को मस्ती नहीं करवा पाए. दादा और दादी बुढ़े हो गए हैं ना, तो ये बोर हो रहा है हमारे साथ. ऐसे नहीं है दादू दादी, बल्कि आप लोगों के साथ तो मुझे और मजा आता है. अच्छा, वैसे एक कुल्फी मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी. ये हुई ना बात. एक मैं भी खाऊंगा. दादू आपका कोटा पूरा हो चुका है. वो कियारा ने खाई थी वो. वाह, हमने खुद देखा था. हा? खुद हमारे सामने बैठ के कुल्फी खा रहे हैं. बोलते कियारा ने खाई थी. तूने चीटिंग की है. यहाँ पे 2+ था, रेड वाला. अरे ये रहा 2, ये मेरा 2. तूने कहा था कि वैसे आप मेरे बॉस हैं. बॉस से बोलने वाली बात नहीं है बट मुझे लगता है कि ना मुझे थोड़ी छुट्टियां लेनी चाहिए. सबको लेनी चाहिए छुट्टियां, सेहत के लिए अच्छी होती है. ऐसे छुट्टियां तो मैंने बहुत ली हैं पर कभी अपने लिए नहीं. कभी कभी सोचती हूँ कि 4-5 दिन की छुट्टी लूँ, दिन बस सोती रहूँ. बट आई थिंक कि डर के मारे ना मेरी आँख खुल जाएगी कि कहीं कोई काम ना छूट जाए. ऐसे कितना कुछ है लाइफ में करने के लिए और कितना टाइम भी होता है हमारे पास, फिर भी कम पड़ जाता है. कोई बकेट लिस्ट बनाई? बकेट लिस्ट? क्या क्या करना है, कहाँ जाना है? कुछ जगहें हैं जहाँ मैं जाना चाहती हूँ. ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे जाके दौड़ लगाना चाहती हूँ. न्यूजीलैंड जाके स्काई डाइविंग करना चाहती हूँ. अरुणाचल प्रदेश जाना चाहती हूँ. और सॉरी, लिस्ट बहुत लंबी है. एक लाइफ टाइम में तो खत्म भी नहीं हो सकती. इनफैक्ट अगर उसका 1/10 भी हो जाएगा तो बहुत है. आपकी कोई लिस्ट नहीं है? थिंग्स टू डू बिफोर आई डाई. नॉर्दर्न लाइट्स देखने का मन है मेरा. और इटली में ना कुछ फार्म हाउसेज जिसपे रेस्टोरेंट्स होते हैं तो वहां 2 महीने स्पेंड करने का मन है मेरा एटलीस्ट. पास्ता हेवन. Alio. पास्ता या. एक और छोटी सी ख्वाहिश है मेरी कि अगर जिंदगी लंबी रहे ना तो अकेले नहीं रहना चाहता. चाहता हूं जिन लोगों से प्यार करता हूं पास में ही रहे. What timing? कुछ कहा आपने? नहीं, आपसे नहीं. माँ से देखना, अब पूछेंगी कुछ खाया कि नहीं तूने. व्यान, तूने खाना खाया? हाँ माँ, सब के लिए छोले भटूरे मंगवा चुके. अच्छे से खा चुके, सो प्लीज कैन यू स्टॉप वरिंग.
व्यान, बेटा पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत अजीब लग रहा था, एक रेस्टलेसनेस सी हो रही है। एक मिनट दीजिए प्लीज फोन। हाय व्यान, देख बेटा मुझे ना तो कोई रेस्टलेसनेस हो रही है और ना मुझे कोई और प्रॉब्लम हो रही है तेरी माँ की तरह। मुझे तुम दोनों से सिर्फ एक बात कहनी है कि तुम दोनों ना खूब मन लगा के काम करो, बहुत सारे पैसे कमाओ ताकि हम दोनों माए मिलके खूब एंजॉय कर सके, पूरी दुनिया घूम सके। राइट? एंड लिसन, तेरा वो बेस्ट फ्रेंड ना, वो भी तेरे आसपास ही मंडरा रहा होगा, प्लीज मेरा ये मैसेज उसे भी कन्वे कर देना। ओके? हाँ हाँ आंटी, बोल दूंगा। और आप लोग अच्छे से अपने वेकेशन की प्लानिंग करते रहिए जी। और माँ, आप स्ट्रेस क्यों ले रही है? मैं आ जाऊँ ना सुबह तक, प्लीज रिलैक्स। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बाय। व्यान कुछ भी बोले, तू कुछ भी बोले, मेरी तो टेंशन खत्म ही नहीं हो रही। फरा, क्यों ना कॉफी के बहाने हम एक चक्कर लगाकर आए ऑफिस का? क्या कह रही है तू? तू कॉफी का बहाना बना के ऑफिस में जाएगी? You know what? मेरा दिल कर रहा है ना, मैं तुझे एक कस्टमाइज करा के टी-शर्ट गिफ्ट करूं और उस पे बड़े-बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखवाऊं, शक्की माँ, तुझ पे बहुत सूट करेगा। माय डार्लिंग, तेरे चेहरे पे साफ साफ नजर आता है जो तेरे दिमाग में चल रहा होता है। और मान ले आज अगर तू ये बहाना बना के ऑफिस चली गई ना, तो आई एम वार्निंग यू, तेरी ये चाल ना तुझ पे उल्टी पड़ जाएगी। देख व्यान अभी तो तेरे साथ सब कुछ शेयर करता है, लेकिन आगे से ना वो 100-100 बार सोचेगा तुझे कुछ भी बताने में। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.